हाय गाइस, तो या गजब बेइज्जती है। हम थोड़ा सो गए थे, अब तरोताज़ा होना है और निकल रहे हैं। पहले कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है, तो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या। एक दो रेस्टोरेंट हमने ढूंढे, कौन सा था? कुछ तो था एक्स से शुरू होता है नाम उसका। क्या बोला तूने? तो पिज्जा का यार ये ज्यादा बोर नहीं करते नहीं करते। अभी हम किसी रेस्टोरेंट से निकलते हैं, थोड़ा लंच करेंगे, देन फिर एक्सप्लोर करेंगे पांडिचेरी। यार धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा तेज, इतने की सोम के तरबूज बचे हैं? नहीं भाई, पक सोम के तरबूज पक गया है। तो अभी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, देखते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। तो पीछे से क्या झाँक रहे हो? तो फिर हम और किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, देन कुछ खाएंगे पिएंगे, देन आपको फिर हम अपडेट करेंगे आगे का जहाँ आप जाना। पीछे देखो तो अभी हम निकल गए यार, और धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एक चीज़ तो समझ आ गई कि नेक्स्ट टाइम जब भी पांडिचेरी आना है, मार्च अप्रैल में तो नहीं आना है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और ये पता नहीं सोम कुछ तो बोल रहे थे वहाँ से, पता नहीं क्या, बट देखते हैं आगे जाते हैं। कुछ तो बहुत तेज़ी भूख लगी यार, बहुत गंदी वाली भूख लगी, एकदम प्रॉपर खाना खाने का मन है वैसे तो, बट सोम बोल रहे थे कुछ तो इटालियन चाइनीज़ खाना है पता नहीं, बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली भूख लगी है। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यार, एकदम ऐसे स्ट्रेट आ रही है ऊपर, ऊपर से हेलमेट, ऊपर से उसमें और गर्म हो रहा है। मैंने तो बोला भाई मैं हाफ शर्ट ही पहन रहा हूँ, कितनी भी टैनिंग हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक काला हो जाओ भाई, जल जाऊँ पता नहीं भाई, लेकिन गर्मी इतनी है कि भाई देख रहे हो, बहुत भूख लगी यार, भगा रहा हूँ मैं गाड़ी, बस बहुत ही ज़्यादा भूख है, कैसे भी कहीं तो पहुँच के बस खा ले कुछ भी। और मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पा रहा, मतलब रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है बस कहीं तो जाके ठंडी जगह बैठे कुछ खाए, देन फिर कुछ बोलना स्टार्ट करूँ। अभी बस कैसे भी बस पहुँच जाना है, कहीं तो खाने की जगह दिख जाए, बस वहाँ रुक के पहुँच के पेट भर के खा लेना है भाई, उसके बाद फिर जो व्लॉग बनाने होंगे बनाऊंगा प्रॉपर। अभी बस पहुँच के ही सीधा खा लूँ, उसके बाद देखता हूँ। बट इधर तो अभी कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा है यार, मतलब लोकेशन तो लगाया मैप में, तो उसी के सहारे जा रहे, बट देखते हैं कहाँ लेके जाता है गूगल मैप। जहाँ तो हम जा रहे हैं उसका नाम तो पता नहीं क्या, बट रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं वहाँ पहले पहुँचते फिर बताते हैं क्या होता है खाने में, क्या खाते हैं। ठीक है यार, फिर मैं एक बार पहले पेट भर के खा लेता हूँ, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, मिलते हैं फिर आपको सीधा रेस्टोरेंट के पास। ठीक है, तो फाइनली रेस्टोरेंट तो आ गया। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? सीताशी। ये तो हमारा जो एवरेज बजट जो चल रहा था वो 1000 था एक दिन में खाने का, बट जैसा कि मैंने कहा जिंदगी में कुछ भी करना छूते लोगों से दोस्ती नहीं करने का, तो ये मेरा दोस्त जो है ये हमें एक ऐसी जगह लेके आया जहाँ पे मेन्यू स्टार्ट है 350 का, आप समझ रहे हो, एक मिडिल क्लास लड़का जिसने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है उसको इस हरामखोर ने ऐसी जगह दिया जहाँ मेन्यू ही 350 से स्टार्ट है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब मैंने प्लान किया था कि 350 में हम तीनों का एक टाइम का खाना होगा। चार पीस गिन के आएगा चीज़ी फ्राइज में। मैं वचन देता हूँ। Please speak English, Dylan. मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास इंग्लिश हाँ इंग्लिश। तो अभी हम डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं डिसाइड करते हैं क्या होता है, फिर आता है तो आपको भी दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। Thank you.
पर खाना खाया था, आई मीन लंच किया था, और अब हम यहाँ से जा रहे, किधर जा रहे हैं हम? व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन बोले तो फ्रेंच कॉलोनी। वहाँ पे फ्रेंच लोग ऐसे भीड़ से आके रहते थे और अपना इंडियन लोगों को ऐसे एकदम पैसा वसूल करके लूटते थे, जो काम अंग्रेजों ने पूरे भारत में किया वो फ्रेंचों ने पांडिचेरी में किया था। तो अपने फ्रेंच दोस्तों को मिलने जा रहे थे, मिलते राइट पे, और उधर तो उनके भगवान का मंदिर भी देखे थे, बोलते उसको वो भी देखेंगे अपन, वो जीसस और मदर मेरी भी, मेरी मदर है, आई मीन मदर मेरी है। किधर जाना है? जाना किधर है? ए आगे चल थोड़ा, आगे चलना थोड़ा। हेलो साले, हॉर्न गाड़ी में डाल देंगे अभी, पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? चले उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा ना कि हम पांडिचेरी या कहाँ, ऐसे नॉर्मल ही लग रहा है। ये चर्च है क्या वो घूमने वाला? वो चर्च वैसे तो हमारा बीच आने का प्लान था नहीं अभी दोपहर में, बट हम कौन सा स्टेच्यू देखने आए थे? वो आगे की स्टेच्यू हम देखे, डुप्लिक्स स्टैचू, बट अभी ये बीच पड़ गया तो हमने सोचा पहले लग रहा है। कौन से बीच पे आए सोम? हम कौन सा बीच है ये? रॉक बीच। तो अभी आप देखोगे तो कि यहाँ पे आपको रेती नहीं मिलेगी ज्यादा, और यहाँ पे सेफ जोन नहीं है, ओशनोग्राफी जो है उसमें बोलते हैं कि जो समंदर बीच में जाता है तो थोड़ा लैंड छोड़ता है, उसको मैं नाम बोल गया उसको, यहाँ जब डायरेक्ट ही ज्यादा है तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, मुंबई का बैंड चैनल का बोलने वही कहना चाह रहा था मैं अभी, बट थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मुंबई तो गया नहीं हूँ मैं, पर सोलापुर में समंदर नहीं है तो रेफरेंस नहीं दे सकता। खानदानी गरीब है, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। वहाँ देख कैसे लोग नहा रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना, पानी काफी पिया है। हाँ फोटो भी खींचते हैं। तो यहाँ दो तीन पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर डुप्लेक्स की तरफ जाते हैं। धूप बहुत तेज है, ठीक है मैनेज करना पड़ता है, बस हेलमेट गर्म मत हो जाए भाई। चलो थोड़ा फोटो शूट करते हैं, इंजॉय करते हैं, मिलते हैं डुप्लेक्स के पास। गवर्नर थे, ठीक है वो जो भी 1870 मई में ये मई में बनी थी, जो भी बनी थी। तो हम ये देखने आए थे और हमें अब देखने को क्या मिला जरा वो देखिए। ये जो गवर्नर जनरल है, मैंने इनके नाम तो इतना से नेम पढ़े नहीं है, ये वरुण एक है कोई तो गवर्नर जनरल होगा शायद, ये गोकुल एक गवर्नर जनरल था, या सुलोन एक गवर्नर जनरल थे, और दिन क्यों बना वो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है इंडिया ऑफेंस के बीच हमेशा एक बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे फ्रेंच गवर्नर हो चुके हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ये मॉन्यूमेंट में लिखे गए हैं, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए और रेफरेंस में अपने इनपुट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो डुप्लिक्स है, वो जो भिड़ो है ना, एकदम अंग्रेजों से भिड़ गया था, मतलब आप लोग अगर पढ़ते होंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वगैरह अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट की थी डुप्लिक्स ने क्या गेम किया था, हैदराबाद के जो निजाम थे उसको बोला था कि भाई मेरे आर्मी रख ले तेरे पास, उसका पैसा दे दे और तेरे हाथ में आर्मी रहेगी, तो जब लड़ना है जैसे लड़ना है वो आर्मी लड़ेगी। तो फिर उन इस पॉलिसी से अंग्रेजों ने थोड़ा कॉपी शॉपी करके अपने दाल बेची थी,
और ये अपने नए गवर्नर जनरल जनरल जलमते हुए कार्तिक नाम था लगता है। मैं देखता हूँ हिस्टोरिकल अकाउंट चेक करता हूँ होगा प्लान में ऐड होने वाला जस्ट। ये जो था ये रॉक बीच के पास था क्या है भाई वो देख उधर साला कर्फ्यू पे लिखा है पब्लिक टॉयलेट मुझे लगा कोई कैफे है। चुप हो जा सातवीं फेल पॉन्डिचेरी मिनट लिए स्लिप्स वो भी लिखा गया इटालिक में। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अच्छा करते इतना आएगी तो बटो तुझे रेस्टोरेंट लग रहा है चलते क्या ऑर्डर करते कुछ डिश ऑर्डर करते है क्या? हाँ तो अभी हम कहाँ है रॉक बीच पे अभी चर्च नेक्स्ट चर्च आते थोड़ा भगवान के सामने झुकते भाई वो पदे भी है सुना था इतना ही माता पुत्र मगे तन्नो जीसस प्रचोदयात गॉड गॉड हां जीसस गॉड द ऑलमाइटी। लेकिन तेरा वो क्या है क्या जुजुत्सु है वो अबे साले हम ये आ गए हैं चर्च के पास देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत चर्च है। ये मेरे दो साथी भी आए हैं तो अभी जाते हैं देखते हैं कैसा है चर्च अंदर से सामने। आई गेस ये पांडिचेरी स्टेशन है क्या? आई गेस वही है ठीक है देखते हैं। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है यार ये चर्च मतलब काफ़ी सुंदर है मतलब पॉसिबल नहीं होगा बट ठीक है कितना ज़्यादा अगर आप ऐसे देख सकते हैं यार बट ठीक कभी कितना ज़्यादा सुंदर है ये चर्च के अंदर है देख सकते हो कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर कितना खाली है कितने प्यारे तरीके से सजाया है बहुत अच्छा लग रहा है यार एक्चुअली लग गया अलग टाइप का ही सुकून है यहाँ पे। आप कभी पांडिचेरी आओ तो यहाँ पे क्या नाम था चर्च का भगवान मैं भूल गया हूँ मैं क्या नाम था चर्च का भाई दशहरा लाइक ये पांडिचेरी स्टेशन के सामने आपको दिख जाएगा इतना बड़ा तो है रेडियो स्टेशन एक बार बोल देना भी है तो इधर भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने वो पूरा किया हुआ है अभी यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठेंगे और फिर कहीं और के लिए प्लान करते हैं कि अब कहाँ जाना बट अभी यहाँ थोड़ी देर हम टाइम स्पेंड करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं बैठो बैठो ना अरे मुल्लो किधर है किधर ही हम निकल गए और अब आश्रम लग जा रहे हैं देखते हैं कितना हो गया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ मुझे लगा टॉप सकते हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भाई नहीं खाना साउथ इंडियन खाना जहाँ देखो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ठीक क्या अप्रैल फुल बना है आंटी ने टैक्सी तो हम आश्रम ढूंढते ढूंढते कब से हमें कितने देर हो गए आश्रम ढूंढते ढूंढते आधे घंटे और अभी तक हमें आश्रम मिला नहीं कोई बोल रहा है वॉकिंग डिस्टेंस से कोई बोल रहा है वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है गाइस वॉक ही नहीं किया जा रहा मुझसे आज अगर कोई कुछ भी बोले नहीं गाड़ी से ही जाना है कोई कितना भी बोले नहीं भाई वॉकिंग डिस्टेंस है आप प्लीज़ अपने बाइक और स्कूटी लेके आए हम कब से So, अभी तो चलो आश्रम के अंदर बैठने को नहीं तो आश्रम को राम राम कह के वापस आ जाओ
भाई यार, अभी हमारे पास एक बंदा स्कूटी पे, वो बोल रहा था वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्कूबा डाइविंग की प्राइस 7,000 रुपीज और गोवा में 1500 में चार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, पिछले साल की इन्फ्लेशन वगैरह कुछ पता है कि नहीं? नहीं कुछ सुन क्या और वही पक्का 200। अगर इतनी तेजी से इन्फ्लेशन हो रहा है ना तो फिर तो तू खरीद लिया गाड़ी फ्यूचर में। यार यहाँ कौवे बहुत है यार, पता नहीं क्यों लेकिन है। अरे फ्रेंड्स लोगों का स्वाद हुआ एक्चुअली क्या इसलिए है ना तुझको यहाँ कॉल ना करते ना, उनका श्राद्ध हुआ है तो सबसे कौवे बच रहे हैं उनकी याद में। कुछ भी कुछ भी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। वैसे भी मेरे दोस्त ने काफी हिस्ट्री पढ़ी है तो आई थिंक वो सही होगा। चल बोझड़ी के, तुम्हारा क्या कहना है सीमा? तू भाई और कितनी दूर है यार, थक गया मैं। यही तो है इनको थके कुछ आप सो रहे हैं यार, अभी देखते और कितनी दूर है आश्रम फिर पहुँचे। मैं आश्रम मिल गया और आई गेस यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है तो फिर हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, बाकी अंदर जाके देखते क्या है कैसे फिर बाहर आके अपडेट कर। जाना किधर है? अरे वो डिक्की में डालो ना उसके। नहीं भाई उसको चिंता हो जाएगा, डिक्की में डालना है। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और हमने आश्रम घूमा, काफ़ी अच्छा था। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं, आपको फ़ोन ऑफ करके अंदर जाना पड़ेगा, बट अच्छा था, काफ़ी शांत जगह था वहाँ। और अरबिंदो की जो थी वो समाधि बनी हुई थी, तो वो एक फ्रीडम फाइटर काइंड ऑफ थे और एक बाद में वो काफ़ी फिलोसफर टाइप बन गए थे, तो उनकी बुक्स भी वहाँ काफ़ी सारे रखी थी, उनके थॉट प्रोसेस गीता को लेके एंड अदर मतलब चीज़ों को लेके। बट अच्छा था, काफ़ी सारे वहाँ बुक्स थी, सीमा ने तो वहाँ के लिए बुक्स भी कर दी और अपने घर के लिए बुक्स कर दी, बट अच्छा था, काफ़ी शांत जगह थी। और अभी तो फिर हम अपने रूम की तरफ निकल रहे हैं और आज तो बहुत थक गया, फिर जो भी अब शाम में शायद फिर बाहर निकले खाने के लिए, बट उसका मैं उतना ब्लॉग नहीं बनाऊंगा अब, जो ब्लॉग बनाऊंगा कल का बनाऊंगा क्योंकि कल का हमारा प्लान है बीच जाने का। तो ठीक है फिर वीडियो को ये एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो यार, और ऐसे ही और वीडियोज़ आती रहेंगी घूमने की मस्ती करने की। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड बाय।